बट यू नो लास्ट ईयर लाइक इन बिटवीन ही डिड इंटरव्यू विद कंगना, बट किसी को लगा नहीं कि सडनली आपकी कॉल लेगा, फिर पूरा एक मतलब यू नो लाइक न्यूज़ बन गया, फिर सडनली कि नहीं मुझे करियर पैक करना था, फिर हमने सोचा कि नहीं अदान के जो रील लगते हैं वो करता है, ये जो थिंग पता है कहाँ से आता है, कैसे करते हैं? नहीं आई थिंक यू नो व्हाट हैपेंड वाज, जब 2010 में मैंने जब ये रिश्ता छूटा भी था मुझसे, और मुझे लगा था कि मेरे तरफ से क्लैरिटी नहीं दी गई थी, आई डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट. हाँ शायद वो गलत था, बट एज आई सेड दैट आप यू नो व्हेन यू गो समथिंग, व्हेन यू गो थ्रू एन एक्सपीरियंस दैट इज दिस डीप, यू नो इफ आई यूज दैट वर्ड डीप, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एट दैट मोमेंट कि यार हुआ क्या है यार लाइफ में, यार अभी तो मैं मतलब मैं इस पेपर में था, मुझे कहा कि हम द नेक्स्ट टॉप 5 जनरेशन सुपरस्टार में नाम आया इतने बड़े पेपर में, अगले मोमेंट पे फिल्म नहीं चली, अगले मोमेंट पे ये ख़त्म हो गया, फिर लोग क्या बोल रहे हैं कि मुझे फिल्मों से मतलब नहीं है, काम से मतलब नहीं है, मैं तो ये करने आया हूँ यहाँ पर, तो वाई आर पीपल टॉकिंग सर्टन थिंग्स अबाउट मी, एंड बिकॉज मैं उस टाइम खड़ा नहीं हो पाया तो लोग बोलते गए, परसेप्शन क्रिएट करते गए, देन आई रियलाइज ड्यूरिंग द जर्नी आई रियलाइज कि आज अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, आज सच्चाई को बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको लोग बिलीव करें या ना करें. सच्चाई इसलिए बिकॉज मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे इसके बारे में बात करने के लिए, और मैंने बहुत साल तक बात नहीं की, लेकिन अगर आप देखें मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हैं 2010 से लेकर 2015 तक, जहाँ पे मैंने मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा देखिए नाम ना लीजिए उस इंसान का, नहीं चाहता मैं, बट लोगों ने फिर वो इंटरव्यूज़ आगे तक नहीं आए, बट मैंने कहा है कि यू नो कि मैं जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा उस दिन यू नो थिंग्स विल पीपल विल अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था. बट देन आई रियलाइज दैट यू नो अब जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो मेरा नाम फिर से लिया जा रहा था, तो आई सेड यू नो व्हाट एक ही बार इसको ख़त्म करते हैं, बिकॉज ज़िंदगी में बहुत अचीव करना है यार, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच गए, उसके लिए इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे बैक ऑफ द माइंड पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगा कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई टॉक अबाउट इट एंड आई फिनिश इट ऑफ and I never discuss about it again. So many people from the film fraternity, from the media fraternity called up and said ki yaar he's being arrogant, ab to ye baat nahi karna chahta. I said dekhiye sir, main ek emotional raste se guzar raha hu, bahut mushkil tha mere liye iske bare mein baat karna, but please try and understand, I don't want to make a press conference out of this. One paper was there and they said dude talk about it. I said I will not. Mere piche pade rahe wo 10 din. Maine bola okay you know what, maybe this is a call from God, say it and finish it, and that is all I did. Initially people said हाँ publicity के लिए कर रहा है. I said हाँ of course, because Steven Spielberg phone करेगा मुझे film देगा publicity के लिए. I said बच्चों की तरह जो लोग बात करते हैं यहाँ पर ना उससे मुझे नफरत है थोड़ी सी. But then there are a lot of mature people, a lot of public out there who said इस लड़के में सच्चाई है, ये सच बोल रहा है, इसको और किसी चीज़ की जरूरत थोड़ी ना लाइफ में. मेरे इंटरव्यू देने से मैं कल सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, मुझे इनफैक्ट गालियाँ ही पड़ेंगी, बट बिकॉज देर वॉज ऑनेस्टी पीपल बिलीव इन दैट आर्टिकल एंड आई फील आई एम इमोशनली मूव्ड ऑन, आई एम फ्री. अपने मॉम डैड की वजह से, स्पेशली अपने फादर की वजह से, बिकॉज कुछ गलतियाँ की हैं जिंदगी में और उन गलतियों को लेकर आई थिंक जो सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है लाइफ में, आई थिंक इट मैटर्स द मोस्ट. और आई थिंक एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बिकॉज क्या है इंडस्ट्री में हम लोग थोड़े से बायस हो जाते हैं, ये लड़का स्टार नहीं तो इसको गिराओ, और जो इंसान स्टार है उसको सपोर्ट करो कि ये झूठ बोल रहा है और ये जो है बड़े इनोसेंट से है. तो आई एम सेइंग दैट यू नो द मीडिया समवेयर डाउन द लाइन नीड्स टू गेट अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेदर समबडी इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट. वो कौन से स्पेस से आ रहा है, वो क्यों बात कर रहा है, उसकी हिस्ट्री रही है क्या कुछ चीज़ों से लेकर, क्या मेरी हिस्ट्री थी कभी कॉन्ट्रोवर्सी बनाने में, क्या मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है, क्या मैंने कभी किसी को गाली दी है, क्या मैंने कभी हंगामा किया, नहीं किया ना. तो फिर 7 साल के बाद अगर मैं किसी चीज़ के बारे में इमोशनली बोल रहा हूँ तो कहीं कोई तो दिल के स्पेस से आ रहा होगा यार, कोई इस गरीब इंसान की बात भी सुन लो यार, एक ही बार तो बोल रहा हूँ सुन लो. सो बट अ लॉट ऑफ पीपल हर्ड मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर काइंड एंड बहुत जिंदगी आगे पड़ी है, अब काम करना है. आई थिंक यू हैड अ ड्रीम आई मीन ब्रेक विद भट कैंप एंड द मूवी वाज डेफिनेटली वेरी गुड, द सॉन्ग्स वर नाइस एंड इवन योर एक्टिंग परफॉर्मेंस वाज प्रेज्ड क्वाइट अ लॉट एंड यू वर आल्सो टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड suddenly all everything yeah came. Yeah that's life no yeah. that is life you know. So you also think I mean what could be the reason behind it or the relationship was also one thing nahi yaar kabhi kabhi koi reason nahi hota, kabhi kabhi bhagwan aapko ek rasta dikhana chahta hai
अच्छे रास्ते के लिए लाइफ में, यू नो, बिकॉज मैं प्रोडक्टिव फैमिली से आया हूँ, मुझे माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार से अपने साथ रखा है. ज़िंदगी क्या होती है, लोग कैसे होते हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने देखा ही नहीं था कभी. सो आई सॉ दैट व्हेन आई फेल डाउन. अगर मैं सक्सेस में रहता तो कभी जान ही नहीं पाता, और शायद मैं उस हाइट से गिरता जहाँ से उठना बहुत मुश्किल था. मैंने तो कुछ हाइट ही नहीं पाया लाइफ में, तो गिरा क्या. तो यू नो, मैं अभी उठने की कोशिश ही की थी कि मैं गिर गया लाइफ में. एंड उस जब गिरा हूँ तो उससे बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बहुत सी हकीकत सामने आई, कौन लोग आपके साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी, कौन नहीं रहेंगे. और यू नो, यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग. लोग आपको गाली देंगे, और आज एक ऐसा दौर आ गया जहाँ पर ट्विटर फ्री हो गया है, फेसबुक फ्री हो गया है, तो आज धंधा बना लिया लोगों ने अपना कि इसको पैसे दो और ट्विटर पे किसको गाली दो. तो आज तो बड़े स्टार्स को नहीं छोड़ते, जो आज इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है ये, बिकॉज जिस इतने बड़े, जो जैसे कि मैं शाहरुख सर की बात करूँ, सलमान सर की बात करूँ, या और भी कितने स्टार्स की बात करूँ, जो लोग इतने डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इन लोगों ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है हमारी इंडस्ट्री को, एक इंडस्ट्री इन पर खड़ी है, और इनके बारे में जब लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है. मेरे बारे में बोलते हैं तो इट डजंट मैटर, बट इनके बारे में इट्स डिफिकल्ट टू हियर. आई फील दैट पीपल शुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड स्टॉप मिसयूजिंग द सोशल प्लेटफॉर्म हियर.